और उस दिन जब हम लोग नौ पार्टी का मीटिंग किए, जब रिपोर्ट आ गया तब भी हम बता दिए थे कि आखिरकार कब हमारे मन की राय हुई, और बाकी कौन क्या बोलते हैं ये सब चीज को भुला जाते हैं। हम जब आप ही लोग हम लोग सब साथे थे तो हमारा जो कम्मा उसको भुला जाते हैं, काय भूलते हैं। याद करिए और याद करिए कि किस तरह से इसकी शुरुआत की गई। ये 90 की बात है जब हम लोग थे केंद्र में, और उस समय एमपी बन करके, तो उस समय जो कांग्रेस पार्टी ने जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था, अब वो जो ये जो बने थे प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति महामहिम ज्ञानी जैल सिंह, और जब हम बने थे ना मंत्री वहां, उस समय 70 की बात है, तो जहां हमको रहने का जगह मिला था उसके तीन जगह के बाद वही थे ज्ञानी जैल सिंह, और उन्हीं का खबर आया कि वो मिलना चाहते हैं। हम कह रहे भाई राष्ट्रपति थे, यहां आए थे वो, और यहां पर आए थे, और उसमें यहां पर एक उद्घाटन करने के लिए यहां पर कार्यक्रम में, नहीं नहीं अस्पताल का नहीं, उनका उद्घाटन करने आए थे जेपी का, तो यहां पर आए थे, और उस समय तो उनसे परिचय हो गया था हम लोगों का, एमएलए थे तब की बात है। और जब वो हमको खबर दिए कि हम आके मिलना चाहते हैं, अरे बापू इतने बड़े नेता, हम कहला हम ही चले गए, जैसे ही हम आए ऑफिस से तुरंत हम उनके यहां चले गए। आज जब गए साहब एक घंटा उन्होंने ही हमको समझाया, कहा कि देखो एक बात समझो, जो होना चाहिए इस देश में जाति आधारित जनगणना होना चाहिए। तब उनकी बात सुन करके ही हमको समझ में आया कि इस पूरे देश में जाति आधारित जनगणना होना चाहिए। ये मेरा 1990 की बात है, और उसी समय हम इस बात को समझे, और जब इस बात को समझे तो तुरंत हम अपने सब पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से मिले। आप समझ लीजिए कि हम चले गए श्रद्धे मधु लिमय जी से, और उनको हम कहे, और उन्हीं के साथ बैठे हुए थे उस समय जो तत्कालीन वित्त मंत्री थे मधु दंडवते जी, सब बैठे हुए थे, हमने बताया कि उन्होंने हमको कहा, तो उन्होंने सुनने के बाद कहा कि नहीं ठीक है, जो तुम अब करो इसके बारे में तुम आगे बढ़वाओ बात करो। और तब उस समय के माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हम मिले, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी से, और उनको भी हमने अनुरोध किया कि जाति आधारित जनगणना होना चाहिए। अब बाद में हम उनको तो कह दिए, बाद में वो कहे कि अरे भाई शुरू हो गया है इसलिए अभी इस बार पॉसिबल नहीं है, तो नहीं हुआ। लेकिन आप जान लीजिए कि उसी समय से जाति आधारित जनगणना की बात, एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, 1990 में, ये 1990 कह रहे हैं, 1930 में जब ये सब शुरू हुआ था तो अंग्रेज ही राज कर रहा था उस समय, तो यहां का शुरू हुआ था, तो पहला बार जो हुआ था तो जाति आधारित जनगणना हुआ था, और कुछ दिन के बाद हुआ था, अब बाद में फिर जाति आधारित बंद हो गया, अब उसके बाद ये फिर हुआ कि नहीं जाति आधारित जनगणना हो जाए तो जो बड़ा अच्छा रहेगा। तो इसीलिए हम लोग शुरू से मांग करते रहे, और उसी के आधार पर आपको याद है ना, यहीं पर पास हुआ जब आप ही थे ना स्पीकर साहब, वहां बैठे हुए थे, तो 19 में भी हम लोगों ने कहा कि भाई आप इसके बारे में कर दीजिए, और सर्वसम्मति से हाउस से पारित हुआ, तो हम लोगों ने सेंटर को भेजा, और दोनों हाउस में, विधानसभा विधान परिषद दोनों में, और दूसरी बार फिर 20 में भी, तो दोनों हाउस से पारित होकर के भेजा गया। लेकिन अभी जनवरी की बात है, 20 की जनवरी फरवरी की, फरवरी की, तो उसी समय बजट के टाइम, तो हम लोग तो शुरू से नहीं तैयार थे जी। अब बाद में फिर याद करिए कि हम लोगों ने तो 20 में तो आ गया कोरोना, तो शुरू नहीं हुआ, तो 21 में फिर हम लोग कहने लगे कि भाई जाति आधारित तो होवे ना करेगा, ये माने जनगणना तो होगा ही ना, जाति आधारित की बात तो नहीं, जनगणना होगा, तो हम लोग रिक्वेस्ट करें। तो याद करिए ना कि हम लोग फिर 9 पार्टी के लोग बात किए आपस में 21 में, और आपस में बातचीत करके हुआ कि नहीं ठीक है, तब फिर हम लोगों ने केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया कि समय दीजिए, तो उन्होंने 3-4 महीना के बाद समय दिया, हम लोग मिले, हम मिल करके सब लोग ना गए थे जी, आ सब तो साथ ही थे, तब भुला गए, आप लोगों में से किसी को मौका नहीं मिला,
अरे अरे एक मौका किसको मिला जो दूसरा पटिया से ज्वाइन कर लिया था, उसी को दे दिया। हमने कहा काहे का ही बेचारे को उतना मालूम है, कहना बोले उसको भी हम इज्जत करते हैं, लेकिन वो भी बोला कि नहीं होना चाहिए। और सब लोग बोले, ये लोग सब थे विपक्ष में थे, हम लोग तो इधर थे, आप भी इधर थे। और उस समय जाके उनको हम लोगों ने अनुरोध किया और अंत में बाद में वो कहे कि नहीं साहब जो होगा नहीं अभी। और एक बात ऐसे ही जनरली कह दिया गया कि भाई अपना राज्य में करना है तो उस समय की बात है, भूलिएगा मत। अभी तरह जाता है कोर्ट में, कौन जाता है खोजना ना चाहिए कि ये जाता है कोटवा में। याद करिए ना भाई, उसी समय बात हुआ। तब हम लोगों ने फिर मीटिंग किया नौ पार्टी का कि हम लोग करेंगे, तो सबकी सहमति हुई। और जनगणना, जाति आधारित जनगणना तो केंद्र का था, तो हम लोगों ने कहा कि जनगणना का तो पावर उनको है, तो हम लोग जाति आधारित गणना करेंगे, जनगणना नहीं। उसमें भी सब कह रहा था, तुम कह रहे जनगणना तो करेगा केंद्र, हम लोग तो गणना की बात किए। तो एक एक बात कह करके हम लोगों ने सफाई दी थी और उसी आधार पर सबके राय से आज वो काम शुरू कर दिया गया, बोलिए। और उसी आधार पर जो हुआ, फिर अलग अलग भी हो गए अलग बात है, लेकिन सबकी सहमति से हुई है। और उसके लिए बड़े पैमाने पर लोगों को लगाया गया, वो सबकी ट्रेनिंग हुई और उसके आधार पर उन लोगों ने काम करना शुरू किया है और उसी के आधार पर हुआ। और वो जब चल रहा था तो बीच में कोई कोर्ट में कर दिया, तो जनवरी याद करिए, इसी साल के जनवरी में सबसे पहले उन लोगों ने कहा कि जितने लोगों का बिल्डिंग है, घर है, उस सब के घर पर जाकर के एक एक जगह देख करके और सब में लिख करके दिया, बात किया कि आप लोग कौन कौन हैं, और वहां पर एक एक चीज लिख किया। और उसके बाद फिर और भी पूरा, जब एक जगह से निकला तो और भी पूरा अपना मीटिंग करके उन लोगों ने आपस में विचार करके और इसका काम चार महीने के बाद शुरू किया। और कहा कि थोड़ा समय दे दीजिए, और समय दे दिया गया और उसको उन लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। और जब काम शुरू हो रहा था, काफी तेजी से काम हो रहा था, तब तक वो कोर्ट में चला गया, तो कोर्ट ने इसको रोक दिया। लेकिन कुछ महीना के बाद कोर्ट में फिर हुआ तो कोर्ट ने कहा कि ना, ये हम राज्य सरकार को अधिकार है, कोई बात नहीं, हम नहीं इंटरफेयर करते हैं, उसको कैंसिल कर दिया। तो काम शुरू हो गया और उस बीच में सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। और समय बहुत आगे का दे दिया है, बोलिए, कई महीना के बाद। और इस बीच में पूरा काम शुरू हो गया। तो पूरा काम जब शुरू हो गया तो जो भी जाति आधारित गणना के आधार पर जो भी रिपोर्ट्स आए, तो उन रिपोर्ट्स के आधार पर फिर हम लोगों ने जो बात किया, बोलिए, आपस में बैठ करके बातें ना कर दिए नौ पार्टियों का, सब लोग बैठ करके बातें किए। और उसमें भी हम लोगों ने कहा, सब लोग कुछ कुछ बोल रहे थे, हम कह रहे देखिए ना भाई, आ रहा है रिपोर्ट, और हम लोगों ने तो इसमें कहीं ना दिया था कि जाति आधारित गणना तो होगा ही, लेकिन इसके साथ साथ सब की आर्थिक स्थिति का भी हम लोग करेंगे। याद करिए ना, हम लोगों ने तय किया था कि हम सिर्फ गणना नहीं करेंगे, उसके अलावे सभी परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी लेंगे। तो दोनों काम करके, तो उसी समय हम कह दिया कि दोनों रिपोर्टवा वो फाइनल कर लिया है, और जब हाउस शुरू होगा तो उसमें सब चीजों को रख दिया जाएगा और उसमें भी सब लोगों की राय ली जाएगी। तब तो बात रख न दिया गया है भाई, अब इतना बढ़िया रिपोर्ट हो गया है, अब कहीं कहीं कोई बोल देता है कि जात का बढ़ गया, उस जात का बढ़ गया, हमको जरा बताइए।